लेक व्यू होटल बिलासपुर में मत्स्यकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा एक्वा कल्चर पर उन्नत मछली किस्मों और कॉर्प मत्स्य ब्रूड स्टॉक आहार के महत्व पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निदेशक मत्स्य विभाग विवेक चंदेल द्वारा की गई। इस कार्यशाला में केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन अनुसंधान भुवनेश्वर ओडिशा की ओर से निदेशक प्रमोद कुमार साहू और मत्स्य विभाग हिमाचल की ओर से निदेशक मत्स्य विभाग विवेक चंदेल के बीच दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन अनुसंधान हिमाचल प्रदेश को सीबा फूड मत्स्य आहार की तकनीक तथा जयंती रोहू और उन्नत कतला प्रजाति की मछलियों का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी देते हुए निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश किसानों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस समझौता ज्ञापन का लाभ निकट भविष्य में देखने को मिलेगा और किसानों की आर्थिकी में अवश्य सुधार आएगा। आज यहाँ पर बिलासपुर में हमने फिशरीज डायरेक्टरेट और सीफा सेंट्रल इनलैंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर का, उनके साथ मिलकर एक वन डे वर्कशॉप का आयोजन किया, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूव फिश वेराइटीज और कार्प फिश ब्रूड स्टॉक डाइट के ऊपर थी। इस वर्कशॉप में हमने अपने जो यहाँ स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हैं, हमारे डिफरेंट असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको बुलाया था और सीफा के डायरेक्टर विशेष रूप से हमारे बीच में मौजूद थे। इसमें इनके साइंटिस्ट द्वारा इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड यहाँ पर हमें जानकारी दी गई। उसके अलावा वर्कशॉप के बाद हमने आज दो MOU इनके साथ साइन किए हैं। एक है जो इम्प्रूव फिश वेराइटीज़ को हिमाचल में इंट्रोड्यूस करने के बारे में, एक जेनेटिकली इम्प्रूव कतला और दूसरा हमारा जयंती रोहू, जो रोहू की इम्प्रूव वेराइटी है। अभी दोनों वेराइटीज़ की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और ये डिजीज़ रिजिलियंट है और लॉन्ग टर्म में फिशरीज प्रोडक्शन को बढ़ाने में ये मैं समझता हूँ कि बहुत ये एक लंबा कदम होगा। इसके अलावा हमने ब्रूडर फिश को बनाने के बारे में इनका एक स्पेशल फार्मूला है, जो एक्सक्लूसिव इनका फार्मूला है, वो इसके बाद हिमाचल फिशरीज डिपार्टमेंट को देने के बारे में हमने एक इनसे MOU आज साइन किया। क्योंकि अगर ब्रूडर डाइट अच्छी होगी फिशेज़ के लिए तो फार्म्स के अंदर जो हमारे फिंगरलिंग्स की प्रोडक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और ये भी एक दूरगामी परिणाम मुझे लगता है अच्छे परिणाम विभाग के लिए देगा।